छठे में इतना अच्छा होगा। गुड आफ्टरनून ऑल, हैप्पी रक्षाबंधन सबको। हैप्पी रक्षाबंधन। देखो इधर काम करते करते हैप्पी रक्षा अच्छे से बोलो यार। हैप्पी रक्षाबंधन। तो लंच की तैयारी चल रही है। लंच में एक स्पेशल चीज होती है आज जो महाराष्ट्र में बनती है, नारळी भात। इसे कहते हैं नारळी भात, मतलब कोकोनट वाला राइस है विद क्या बोलते हैं हम गुड़ को, जैगरी। क्या यार इंग्लिश भी इधर आके, इंग्लैंड में आके इंग्लिश हमारा एकदम बिगड़ गया। ओके तो जैगरी कोकोनट और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ ये राइस होता है और स्वीट है तो थोड़ा हम कम खाते हैं, इसलिए हमने हमारे लिए दाल राइस भी अलग से बनाया है जो कि सिर्फ हमारे लिए बना तो उसमें थोड़ा झगड़ा हुआ, मतलब नहीं यही बनेगा, मेरा दोनों बनेगा फिर। लेकिन हाँ हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत मिस कर रहे हैं सबको, तो क्या कर सकते हैं आप। यस yes, बहुत मिस कर रहे हैं। अगर हम लोग आज इंडिया में होते तो मालेगांव में होते मामा के यहाँ पे। तो यस हर कोई अपने मामा के घर पे होता आज लेकिन यस अच्छे से रहिए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, हमें मिस करिए एंड कमेंट कीजिए कितना मिस किया आपने। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना लगेगा कि हाँ हमें बहुत मिस कर रहे आप। एंड अभी खाना भी खाते हो और हाँ रक्षाबंधन हम आज शाम को मनाने वाले हैं तो उसका आगे व्लॉग में आपको सबको डिटेल्स मिल जाएगा। यस हम भी रक्षाबंधन मनाएंगे यहाँ पे, बहुत भूख लगी अभी खा लेते उसका। है ना इकडे घेतलंय मी ठीक आहे, तुला ह्याच्यावर ठेव काय असं घे ना, इथून इथून असं घेतलं की होत हो जात आहे भाई। शेअरिंग इज केअरिंग, शेअरिंग इज केअरिंग, सब ब्लॉग मिळाल लो। तो देखो लंच रेडी है, ये हमारा क्या बोलते हैं नारळी भात, तो नारळी भात एंड ये हमारा फेवरेट दाल और राइस और बटाटा फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज का एडवांस वर्जन है जो मैरिनेट करके खाने में कुछ और ही मज़ा आता है। तो अभी निपटाते हैं इसको और बहुत भूख लगा है, गर्मियाँ पूछो मत, खा लेते। A few moments later. तो जी अब थोड़े काम से बाहर जा रहे हैं, इस दिन धूप मतलब 7:30 ओके। तो रक्षाबंधन यहाँ पे भी हम मनाएंगे तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी, तो अभी जाते हैं थोड़े बहुत स्वीट्स लेके आते हैं और देखते हैं क्या स्वीट्स अवेलेबल है, मैं से कुछ स्वीट लेके आ जाएंगे देखते हैं। आओ यार क्या मौसम हो गया है, मतलब कहाँ ठंडी हवा चल रही है, लिटरली गर्म हवा आ रहा है। कभी कभी क्या होता ना, आप सोचते हो उससे जल्दी हमका काम हो जाता है, तो जो हमने सोचा था कि शॉप बंद होगा लेकिन नहीं, शॉप ओपन एंड मिल गया स्वीट्स जल्द से जल्द। जैसे कि आपको हम दिख रहे हैं ये अटायर में, तो अभी थोड़ा रक्षाबंधन वाले अटायर में आ जाते हैं तो आपको मिलते हैं अभी। तो लो जी आ गए हम रक्षाबंधन के अटायर में, तो अभी खाना ऑर्डर करना है एंड थोड़ी बहुत तैयारी करनी है हमें रक्षाबंधन के छोटे से इवेंट के लिए। यहाँ पे देखो कुछ तैयारी चल रही है, कोई तो
हमारा डिफ्यूज़र तैयार कर रहा है अच्छे फ्रेग्रेंस अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। तो यस, थोड़ी देर में आपको फिर से मिलते हैं। तो जी सेलिब्रेशन हो चुका है, रक्षाबंधन इज ऑल डन। आपने जो भी सेलिब्रेशन देखा उसके बाद डिनर किया हमने एंड बस उसके बाद थोड़ा सीरीज देख रहे थे। तो मोस्टली अब बज चुके हैं रात के 12:15। व्लॉग को फटाफट मैं एडिट करूँगा और आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप सब बढ़िया रहना, होप करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। हम मिलते हैं आपको, बाय बाय।